प्रतिवर्ष चैत्र मास से फाल्गुन मास तक अपने सनातन धर्म में हम व्रत उत्सव की तैयारी बनाते हैं। उसमें चातुर्मास से व्रत जो होता है आषाढ़ महीने में, शुरू होता है। इस वर्ष में अधिक मास के कारण 3 महीने का एक कार्यक्रम होता है। आषाढ़ महीने में बारिश होता है, उसमें बारिश में एक जगह पर बहना ऐसे अपना भारतीय परंपरा है संतों का। बाकी जो व्यापार करने वाले हैं, खेत करने वाले, तो घूमना ही पड़ेगा। ये जो परमहंस परिवार का आचार्य जो दंडित स्वामी होते हैं, उनको परिता व्रज जी की परिवराज का व्रज गतम, ये जो धातु है व्रज गतम, गति गति मतलब संचार, ग्रामीण का रात ऐसे बोलते हैं, एक गांव में एक रात रहना, बड़ा गांव हो तो 3 रात रहना, ऐसे कुछ होता है। ऐसे संत लोग संचार करते रहते हैं, ऐसे ही अपने भारत देश के ग्राम पंचायत पंचायत में दंडित स्वामी लोग संचार करके धर्म का प्रचार करना इस देश में एक आचार है। उसमें जो बारिश का समय है, उसमें जो संकल्प लेते हैं ये संत स्वामी, वो ऐसे कहते हैं, प्रायेण पावी प्राणी संतुलम रत्न दृश्यते, अतः तेषाम अहिंसार्थम पक्षा वै श्रुतिचोदना स्थास्यामः चतुरो मासान अत्रैव असत बाधये। हम इधर ही रहेंगे, बारिश होता है, मतलब उनको भी मैं समय के लिए बात है, अभी जो बारिश का तो अलग बात है, अभी जल्दी निकलना है, वो पक्का प्रावृषि प्राणी संकुलम तत्व निश्चते, जो रास्ता है उसमें जानवर वगैरह इधर उधर घूमता है, अतः पेशा अहिंसा हम उस जानवर को भी दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, इसलिए एक जगह पर रहेंगे। ऐसे संकल्प होता है, जो भक्त लोग होते हैं, शिष्यगण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं, निवसन तु सुखे न अत्र, आप निवास कीजिएगा इधर, निवसन तु सुखे न अत्र, गविष्यामः कृतार्थता, हम कृतार्थ होंगे, यथाशक्ति च शुश्रूषा, हमारा शक्ति के अनुसार जो सेवा हम कर सकते हैं उसे सेवा करेंगे, यथाशक्ति च शुश्रूषा गविष्यामः हम करेंगे, वयम हम करें, अकेला व्यक्ति ही नहीं, समाज की तरफ से हर व्यक्ति सेवा में, जो सेवा में भाग लेना है, यथाशक्ति से शुश्रूषा करिष्यामः वयम मुदा, संतोष के साथ, संतुष्टि के साथ हम करेंगे, करना पड़ता है, ऐसी बात है, हम करेंगे मुदा करेंगे, मुदा मतलब मुदा करा तब होगा, कम शंकराचार्य ने कहा है, गणेश शंकराचार्य ने, ऐसे आनंद के साथ हम करेंगे, हमारा ये सौभाग्य होगा, इसलिए आप इधर रहिएगा, ऐसे हम संकल्प के लिए कोई जमान लोग शिष्य लोग बोलते हैं। ऐसी एक परंपरा है, चातुर्मास के लिए परंपरा है। गुरु पूर्णिमा का दिन में हम अपने देश में मार्गदर्शन जिन लोगों ने किया, इंद्रो महानुभाव ये त्यागराज स्वामी ने कहा है, संत त्यागराज स्वामी संगीत के उन्होंने कहा है, अनेक संत लोग इस देश में आए, उनका मार्गदर्शन से सदाचार का निर्माण हो रहा है। जब APJ अब्दुल कलाम जी वो शपथ ग्रहण कर समारोह के संबंध बने, उनसे बातचीत किया, तब हमने सुझाव दिया, जनरो महानुभाव तेलुगु में
ऐसे बोलने को उन्होंने पहला भाषण में ये भी कहा है, जब शपथ ग्रहण किया था तो एक भाषण कहा। ऐसे अनेक संत लोग इधर पैदा हुए, उन लोगों को पूजन होता है, पहला सुमंतु जय बिंदु, ऐसे सनत कुमार है, सनत सुजाता, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों को संतों का पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन में होता है। जैसे अष्टाधिक पाल इंद्र यमा पृथ्वी वायु कुबेर ईशाना ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उस उनको भी पूजन होता है। उसके आदिशेष जैसा नाग स्वरूप धारण करके इस धरती को धारणा करते हैं उनको भी पूजन होता है। जैसे गणेश जी का, दुर्गा देवी का, सरस्वती का, जिन्होंने सब जगह जाकर के भक्ति प्रचार किया, नारद महर्षि उनका भी पूजन है। उसके ऐसे जगत गुरु कृष्ण परमात्मा का पूजन है, वो तो अवतार पुरुष भी है, ऐसे जगत गुरु भी है, उनको भी पूजन होता है। ऐसे गुरु पूजन का कार्यक्रम होता है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए उसमें भी आप लोग गुरु पूर्णिमा का दर्शन करना, वो तकनीकी के माध्यम से व्यवस्था भी होगा। जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, इंदिरा में हो और जबलपुर में हो, जहाँ जहाँ रहते हैं भक्त लोग, तो गुरु पूर्णिमा का सोमवार में जो पूजन होगा पूर्णिमा के दिन में, तो उसका दर्शन करना। वैसे शंकराचार्य का पूजन होता है, शंकराचार्य जी का गुरु जी मध्य प्रदेश के हैं, गोविंद भगवत पदाचार्य है, उनका पूजन होगा। उनका जो गुरु जी है गौड़पादाचार्य है, उनके लिए भी पूजन होता है। और विवरणाचार्य अन्येभ्यो ब्रह्म विद्या संपदाय कर्तृभ्यो गुरुभ्यः, जो लोग इस धर्म के लिए काम किया है सबको पूजन करना है। ऐसे गुरु का उपदेश के द्वारा प्रजा के मन में स्पष्टता है, धैर्य होता है, विश्वास होता है, और सदाचार संपन्न व्यक्ति होते हैं। उसके लिए गुरु जैसे ईश्वर हमारे लिए मुख्य है, अनुग्रह के लिए वैसे आशीर्वाद के लिए गुरु मुख्य है। गुरु जैसे सिखाएंगे मार्ग तो उस दिशा में जाके भगवान का भक्ति करना अनुग्रह देगा। उसके लिए उस दिन सब लोग गुरु पूर्णिमा का जो पूजन होगा उसको दर्शन करना। आपके जो जो गुरु है, या भौतिक गुरु है, लौकिक गुरु है, या आध्यात्मिक गुरु है, उसके पास जाके उनका मार्गदर्शन लेना, आशीर्वाद लेना, उनका प्रेम का पात्र होना। ऐसे गुरु पूर्णिमा जैसे हमारे लिए रामनवमी मुख्य है, गोपराष्टमी मुख्य है, ऐसे मुख्य पर्वकार है गुरु पूर्णिमा। युवा पीढ़ी भी उसमें ध्यान रख करके गुरु पूर्णिमा का दर्शन करके ऐसे कार्यक्रम होने का है। हम इधर से अभी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं। जो पक्षीराज है वो गर्द है, मृगराज सिंह है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में जो प्रयाग का जो तीर्थ है वेदों में कहा है, वेदों में अभी जो संगम है वहाँ संगम को लेकर के ऋग्वेद में कहा है, सीतासी से संतोषे सौत्पादी ये अमृतस्ते जनासोपे। जो वेदों का जब उच्चारण होता है स्वर के साथ उच्चारण, उदात्म अनुदात्म स्वंत ऐसे है स्वर के साथ उच्चारण से, सीता सीते सरिता, सीता मतलब सफेद नदी, सफेद नदी मतलब गंगा जी, असीता
मतलब सफेद नहीं है, काला रंग क्या होता है या हल्दी का रंग जो भी कुछ सफेद से दूसरा जो रंग है मतलब यमुना जी है। सीतासी से सरिता सरि नदी यात्रा संगते जहाँ संगम होता है वैसे वैसे कहा इतना प्राचीन है आदि है के तरह प्रयास वो मंदिरों को हम ये बोल सकते हैं 2000 वर्ष पहले हुआ क्या बात जीर्णोद्धार आर्यावारी के समय पर हुआ महेश्वर में ऐसे हुआ काशी विश्वनाथ जी में ऐसे हुआ ऐसे बोल सकते हैं। जो गंगा यमुना का जो संगम है सरस्वती का जो संगम है तो प्राचीन है अति प्राचीन है अनादि इतना श्रेष्ठ तीर्थ स्थान है वहाँ स्नान करना मुख्य है। वहाँ स्नान करते समय शिखर दर्शन करना मंदिर का शिखर दर्शन करना शिखर दर्शन करने से कोटि पुण्य हमको मिलता है गोपुर दर्शन कोटि पुण्यम उसके लिए अपना परम गुरु जी ने हमारा गुरु जी को आशीर्वाद और आदेश दिया था गंगा के तट पर अच्छे भव्य मंदिर बनाना ऐसे पूज्य चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने देव सरस्वती महाराज जी को ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद प्रदान किया। उसका फलस्वरूप आदिशंकरा विमान मंडपों का निर्माण हुआ है जो संगम में स्नान करेगा वो शिखर दर्शन करेगा पुण्य पाने के लिए। ये महाराज जी ने वो पंक्ति में आए थे 1934 उसमें चौंतीस में आए थे 34 में जब महामना पंडित मदन मोहन मालविया जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापना किया तब आए थे तब प्रयागराज में तेरे थे पंक्ति में आए थे। बाद में अपने गुरु जी कई बार इधर भ्रमण उन्होंने किया है ऐसे महाराज जी के आशीर्वाद से इधर मध्य प्रदेश में भी बहुत काम होने का है। अमरकंटक जो तीर्थ स्थान है नर्मदा का उद्गम स्थल है वहाँ से अपने अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सदस्य आए वो अपने गुरु जी वहाँ 30 वर्ष पहले गए थे वहाँ जाके पूजन अर्चन किया है सबसे अमरकंटक में कुछ करने का विभाव रहा। अभी कुछ साल पहले एक माथुर जी करके भाजपा में मुख्य थे उनका प्रयास से इन लोगों का सहायता से वहाँ अच्छा भव्य है। अभी वेद पाठशाला का भवन का निर्माण हुआ है वेद पाठशाला भी शुरू हुआ है अमरकंटक में शंकराचार्य जी का मूर्ति का भी प्रतिष्ठा हुई है ऐसे उनके साथ दिवाली जी उनके साथ आए हैं ऐसे वहाँ उस परिसर में अमरकंटक का परिसर में धार्मिक और विद्या के क्षेत्र में कुछ काम होना उसको लेकर के हमने अभी चर्चा भी किया है। उनके तरफ से 10 लाख रुपया का अभी जो राज्यसभा का जो राशि है वो भी कुछ करने का है ऐसे अमरकंटक करने और क्षेत्र जो अन्य क्षेत्र में जो वेद पाठशाला के विद्यार्थी है वो भी गर्मी के समय पर इधर एक महीना रह सकते हैं ऐसे प्राप्त किया है। पहले शिमला में ब्रिटिश के लोग ऑफिस वगैरह करते थे इधर जो अमरकंटक में धार्मिक स्थल भी है साथ साथ प्रकृति का भी अनुकूलता है तो वहाँ कुछ अच्छा पर्यटन धार्मिक पर्यटन तो उधर उधर जाना कैमरा से फोटो खींचना वो अलग बात है धार्मिक पर्यटन का ये दिव्य क्षेत्र वहाँ बनाने के लिए अमरकंटक को साथ सब लोग शामिल होकर के उसको करना। कल का जो कार्यक्रम है महाशिवरात्रि जैसे 11 बजे तक आप रहा उसके बाद 12 बजे तक कार्यक्रम हुआ सब लोगों ने अच्छा किया इधर के लोगों ने इधर के अपने सांसद लोकसभा सांसद जनार्दन जनता जनार्दन 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 मिश्रा जी जनार्दन मिश्रा जी जो इधर से लोकसभा से
जिसके आए हैं उनके साथ भी जब चर्चा सब हुआ है। इस प्रदेश का विकास प्रगति होना है, विद्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और नए नए खेती भी होना, कारखाने भी होना, सब सब लोगों का मुक्ति और मुक्ति के लिए इधर महाकौशल महाकौशल प्रदेश में अच्छा प्रगति होने के लिए और अमर कंटक के धार्मिक विकास होने के लिए इसका आज का जो कार्यक्रम है चंद्रमुनीश्वर भगवान का पूजन अर्चन अभिषेक के लिए अच्छा व्यवस्था सुचारू रूप से इधर का जो समिति है और अध्यापक गण है सब लोगों ने अच्छा किया, राम लखन हमारे सब लोगों ने अच्छा किया है। ऐसे ही रीवा में बहुत कई सालों के बाद इधर आगमन होता है, जहाँ पहले आए वहाँ भी अच्छा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है सब सुना। ऐसे ही रीवा में अपना देश का उन्नति के लिए धर्म का विकास के लिए जो कार्य करना है उसके लिए भगवान भगवती कामाक्षी का अनुग्रह से ये सब काम अच्छा होने के लिए देवी से प्रार्थना करेंगे। भगवान शंकर, जय जय शंकर।